अस्सलामुअलैकुम, पुल टू ये ऑफिशियल टीम हेयर। अच्छा, आज हम सबसे पहले फर्स्ट ईयर का स्टार्ट करने लगे हैं ब्लड का पोर्शन, क्योंकि जो न्यू मॉड्यूलर सिस्टम आया फर्स्ट ईयर का, तो उसके अंदर ये सिलेबस में ऐड किया गया है। तो ब्लड में हमने देखा गाइडेंस यूनिट नंबर 6 है ये। तो इसमें कौन सा पहले पहले हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल आ जाता है, उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, ल्यूकोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और उसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, जिसमें इम्यूनिटी और एलर्जी के बारे में, और उसके बाद ब्लड टाइप्स आ जाती हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हीमोस्टेसिस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसका पहला जो चैप्टर है ब्लड ब्लड वाले पोर्शन का, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, एनीमिया एंड पॉलीसाइथीमिया। हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यूक्यूज़ के लिहाज से वो कौन से हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज़ कौन से बन सकते हैं वो। ये दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, मार्क कराऊँगा, और आपने इसको देखते जाना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यूक्यूज़ आता है, वो आता है रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन। तो रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन, ये सारे के सारे, ये जो है ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसके रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये उसकी वैल्यूज़ पूछी जाती हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते कितने हैं, तो इसकी ये सारी की सारी वैल्यूज़ के मेल के अंदर कितनी होती हैं और फीमेल वुमेन के अंदर कितनी होती हैं, ये सारी की सारी हमने याद रखनी है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कितने ग्राम्स या कितने मिलीलीटर्स होते हैं आरबीसीज की क्वांटिटी, कंसंट्रेशन, तो वो भी हमने इसकी बतानी है साथ साथ। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके अंदर हीमेटोक्रेट जो होता है, हीमेटोक्रेट कितने परसेंट होता है, तो वो 40 to 45% ये आ जाता है, और ये एमसीक्यूज़ इस तरह के बनते हैं। तो ये सारा पोर्शन जो है ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूक्यूज़ आ जाता है कि आरबीसीज प्रोडक्शन कैसे होती है, तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये जो इसका एमसीक्यूज़ है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होते हैं अर्ली वीक्स में, कि यॉक सैक में, और ये सारे इसके एमसीक्यूज़ हैं जो कि मिडल ऑफ ट्राइमेस्टर ऑफ गेस्टेशन से प्रोडक्शन इसकी स्टार्ट होती है। और उसके बाद हमें बताना है कि उसकी जो वैल्यू होती है स्प्लीन और लिम्फ नोड्स के अंदर, ये आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद बोन मैरो के अंदर भी। तो ये सारे के सारे इसके एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका ये एमसीक्यूज़ बन जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं आरबीसी, वर्टिब्रा में, स्टर्नम में, रिब्स में और इलिया में। इसके बाद हम बात करेंगे, ये भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, इसको भी देख लेना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्वेश्चन, वो ये है जेनेसिस ऑफ आरबीसीज। तो इसमें सारी की सारी स्टेजेस लिखनी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बना, उसके बाद बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर पॉली क्रोमोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर क्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट बनेगा, फिर रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट फाइनल। तो ये सारा का सारा पूरा यू क्यू है, इंपॉर्टेंट यू क्यू है यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हमने बताना है कि ग्रोथ इंड्यूसर क्या होते हैं, ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद उसके 4 मेजर ग्रोथ वाले होते हैं, ये सारा देख लेना है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, इसको एमसीक्यूज़ के वे से आपने देखना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक की कि जिसमें स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है। तो इसको सबसे पहले जो हमने देखी है वो हम ऊपर भी देख चुके हैं पहले पहले, कि बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये सबसे फर्स्ट जनरेशन सेल जो होते हैं ना, हम उसको कहते हैं बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये एमसीक्यूज़ आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, उस सेल स्टेज का नाम क्या होता है, तो वो रेटिकुलोसाइट होती है। उसके बाद गॉल्जी अपैरेटस, ये सारा एमसीक्यूज़ के लिहाज से। और इसके बाद डायपेडिसिस होती है किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, 1 to 2 days वाला एमसीक्यूज़ है इसमें, ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, वो यू क्यूज़ के लिहाज से आता है, फंक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन मैकेनिज्म टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज व्हेन टिश्यू ऑक्सीजनेशन डिक्रीजेस। तो ये सारा का सारा इसके इम्पोर्टेंट है कि एरिथ्रोपोएटिन का क्या रोल है, कहाँ से आता है, किडनी से, 90% जो आता है किडनी से आता है, और ये हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो होते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, फिर रेड ब्लड सेल्स में, और टिश्यू ऑक्सीजनेशन, और इससे ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये डिक्रीज, इस तरह से डिक्रीज ये किस तरह से करते रहते हैं, टिश्यू ऑक्सीजनेशन किस तरह से डिक्रीज होती है, और क्या एरिथ्रोपोएटिन किस तरह से ये करते हैं, ये सारा का सारा ये इसका मैकेनिज्म है, और कौन से फैक्टर हैं जो डिक्रीज करते हैं ऑक्सीजनेशन को,
ये भी वैवा का क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में भी आता है और एससीक्यूज के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सवाल आता है यूक्यूज में कि इरिथ्रोपोएटिन का कैसे इरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट करती है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को। सो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन में इरिथ्रोपोएटिन का रोल लिखें। तो यहाँ से मतलब इसको सारा ये यू क्यू है, पॉक्सर कंडीशन में होता है ये सब कुछ, और ये सारा हमने बताना होता है। ये 3000, ये 34000, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसका ये रोल भी लिखा हुआ है कि कैसे ये इरिथ्रोपोएटिन प्रोडक्शन होती है और इरिथ्रोपोएटिन बनती है और इन्हांस करती है आरबीसी प्रोडक्शन को अंटिल द हाइपॉक्सिया इज रिलीव्ड। तो ये सारा इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में ये सारा इरिथ्रोपोएटिन कहाँ से आ रही है, 90% किडनी से आ रही है, लीवर से, ये सारे इसके एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और यूक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये है कि अक्सर बच्चों को यह पता ही नहीं होता, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ गाइडेंस से करने वाली है और कौन सी चीज़ गाइडेंस से नहीं करने वाली। तो इस वजह से ये सब कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं ताकि वही चीज़ की जाए जो इम्पोर्टेंट है। अब वाइटामिन B12, वो इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि वाइटामिन B12 का क्या, सियानोकोबालामिन का क्या रोल है इसके अंदर आरबीसीज के अंदर मेचोरेशन में। तो इसके बारे में ये सिर्फ यही लाइंस करनी होती हैं, ये सारा यूक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी वाइटामिन B12 क्या क्या रोल प्ले करता है और किसकी सिंथेसिस करवाता है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको भी पता है कि वाइटामिन B12 जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कराता है, और इसकी वजह से मतलब कहाँ से होता है, परनीशियस एनीमिया में वाइटामिन B12 का रोल होता है, ये भी सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब वाइटामिन B12 की प्रोडक्शन कम हो जाती है जब परनीशियस एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया की वजह यही है कि जो इंट्रिंसिक फैक्ट होता है वाइटामिन B12 उसके साथ बाइंड नहीं होता, जिसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। तो ये सारा का सारा इसका रोल कि इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है यूनिवर्सिटी का, और इसमें देखना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या रोल है और इसके अलावा GIT का क्या रोल है, कोई गैस्ट्रिक सिक्रीशंस नहीं, और ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट यूक्यू है और इसमें वाइटामिन B12 का ही रोल होता है। और MCQs में भी आता है कि परनीशियस एनीमिया में कौन सा वाइटामिन होता है, वो वाइटामिन B12 होता है, ये उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने देखना है कि मैचुरेशन और फेलियर कास्ट बाय फोलिक एसिड, तो वो कहते हैं कि फोलिक एसिड की वजह से जो मैचुरेशन फेलियर होती है वो कैसे होती है। तो इसके अंदर ये सब टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है इसका, तो इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में आ जाता है हीमोग्लोबिन फार्मेशन। तो हीमोग्लोबिन फार्मेशन में अगर आप ये लिख सकते हैं तो ये साथ लिख दें, अदरवाइज़ वो आपसे नहीं लिखा जा रहा तो ये लाजमी लिखें। तो ये अगर आप स्टेप्स भी लिख देते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की फार्मेशन हो जाती है और ये आपका एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता। तो ये भी अगर आप लिख देते हैं तो ये भी इनफ है इसके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है ये भी। और ये जो पोर्शन है इसका सारा का सारा, इसमें आपने जस्ट रीड कर लेना है MCQs के लिहाज से कि अल्फ़ा चेन, बीटा चेन, गामा चेन और डेल्टा चेन, इनका क्या रोल है हीमोग्लोबिन ए में। तो इसके बारे में आपने रीड कर लेना है MCQs के लिहाज से। और इसके अलावा ये जो आयरन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 आयरन आइटम्स इसमें हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल में 4 आयरन आइटम्स होते हैं, ये MCQs आ सकता है। और इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया का भी MCQs आ जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। तो ये रीड करने के बाद इसके बाद इसके आयरन का मेटाबॉलिज्म जस्ट रीड्स करने, और इसके अलावा और कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो आयरन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट था वो पीछे ही हमारा हो चुका है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट MCQ है कि अमाउंट ऑफ आयरन आर ए लार्ज अमाउंट द आयरन स्टोर्ड, वो कहते हैं कि आयरन कौन सी फार्म में स्टोर किया जाता है, वो फेरिटिन की फार्म में, जिसको हम मतलब स्टोरेज आयरन कहते हैं। तो ये MCQ आता है। और इसके बाद हिमोसिडेरन का, ये भी आप देख लेना है कि इनसॉल्युबल फॉर्म में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं हिमोसिडेरन, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हैपोक्रोमिक एनीमिया, तो ये किसकी वजह से होते हैं, कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आता है। इसके अलावा ये MCQs आता है कि RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 120 डेज होता है या 4 मंथ, तो ये भी आपने अच्छे से याद रख लेना, ये MCQs आता होता है। और इसके अलावा ये भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एक मैन कितना एक्सक्रीट करता है आयरन, 0.6 मिलीग्राम, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है इसके लिए भी। और ये भी MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एक वुमेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल लॉस कितना मतलब ये अपना आयरन लॉस करती है, तो वो 1.3 मिलीग्राम पर डे। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती है बात इनीमियाज की। इनीमियाज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसका तो एक क्वेश्चन मस्ट होता है प्रॉफ के अंदर, तो इसको अच्छे से याद करना है। इसकी जितनी भी टाइप्स हैं सारी की सारी, एनीमिया है क्या, किसकी वजह से होता है,
और क्या इसमें कौन सा एनीमिया होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने वाली होती है ये देखने वाली होती है कि बॉडी एनीमिया के इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे बॉडी पे, ये अच्छे से देखना होता है। इसके अलावा एम सी एच की वैल्यू, एम सी वी की वैल्यू, एम सी एच सी की वैल्यू, आर बी सी की वैल्यू, एच बी की वैल्यू, ये तीन चार पांच जो वैल्यूज़ हैं ये आपने हर एनीमिया में देखनी है अच्छे से, क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्लिनिकल क्वेश्चन देता है तो इन्हीं वैल्यूज़ को आपको कम या ज़्यादा करके बताते हैं, तो हमने वहाँ से ही डायग्नोज करना होता है कि इसको कौन सी टाइप का एनीमिया है। अगर ए प्लास्टिक एनीमिया है तो उसको किसकी वजह से हो रहा है, रेडिएशन की वजह से। हर एनीमिया की एक एक काज होती है, कोई काफ़ी सारी काजेज होती हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एनीमिया किसकी बात की जा रही है। अगर हम बात करें मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया की, जो कि बोन मैरो डिसफंक्शन की वजह से होता है। ये रेज की वजह से भी हो सकता है, एक्सरेज या किसी भी कोई भी काज हो सकती है रेज की वजह से, रेडिएशन की वजह से, तो ये ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये इसके क्लिनिकल में ये लाजमी पॉइंट देंगे तो फिर हम वहाँ से ए प्लास्टिक एनीमिया लगाएंगे। उसके बाद मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया की बात आ जाती है, मिगेलो ब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B12 की वजह से होता है डेफिशिएंसी से, और उसकी वजह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पर्निशियस एनीमिया भी उसी की वजह से हो रहा था, विटामिन B12 की वजह से। किसके साथ लिंक था उसका, स्टामिक मिकोजा के साथ, जिसकी वजह से वो इंट्रिंसिक फैक्टर और सारा वो पीछे वाली बात हो रही है। उसके बाद हीमोलिटिक एनीमिया की बात कर लेते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया किसकी वजह से होती है, इसकी डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, हेरिडेटरी भी हो सकता है या फ्रेजाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको भी हमने देख लेना है। अगर हेरिडेटरी स्फेरोसाइट है तो इसके बारे में देख लेना है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में देख लेना है कि सिकल सेल डिजीज़ क्या होती है, क्राइसिस क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेना, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस का आता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस का क्या होता है, आर एच पॉजिटिव आर बी सी, या इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ये मदर और बेबी में होता है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव ये फैक्टर की वजह से, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एनीमिया के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं फंक्शंस पे, सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो ये सारा का सारा आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें से ये क्वेश्चन आता है तो इसमें से पॉइंट्स आपने देख लेने हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जिसमें हाइपॉक्सिया वगैरह आ रहा है इसके बारे में, कार्डिक आउटपुट, वर्क लोड, हार्ट का, ये सारे के सारे आपने अच्छे से देख लेने हैं। ये क्वेश्चन सेपरेट क्वेश्चन आता है, यू क्यू इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आ जाती है पॉलीसाइथीमिया की, जिसमें सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया वो होता है कि जिसमें टिश्यू की लिटल ऑक्सीजन की वजह से हाइपॉक्सिया हो जाता है टिश्यूज़ पे, तो उसकी वजह से हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो वहाँ पे इसकी वजह से भी हो सकता है, तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया को अच्छे से देख लेना है, और इसकी परसेंटेज कितनी, 30% होता है अबाव नॉर्मल। और उसके बाद फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया होता है के जो नेटिव्स में होता है और वो एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर होता है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉलीसाइथीमिया वेरा एरिथ्रेमिया, इसे हम टर्म को कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ को याद रखना होता है एम सी क्यूज़ के लिहाज से, कि इसमें 7 to 8 million होते हैं, और इसकी काज क्या होती है, जिनेटिक एब्रेशन होती है हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल्स की वजह से जो कि ब्लड सेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद ये ट्वाइस नॉर्मल होता है, इंक्रीजेस सम टर्म टाइम्स टू ऑलमोस्ट ट्वाइस नॉर्मल, तो ये भी अच्छे से देख लेना है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह पॉलीसाइथीमिया के फंक्शन जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें से जिस तरह कलर की बात हो रही है, वीनस प्लेक्सस हो रही है, 1/3, ये सारी ये टर्मिनोलॉजीज आपने देख लेनी है कि ब्लू कलर हो जाता है डी ऑक्सीजनेशन की वजह से, हीमोग्लोबिन जब डी ऑक्सीजनेटेड होती है और उसकी वजह से तो ब्लूश उस पर कलर स्किन पे ब्लूश आ जाती है, तो इसको आपने देख लेना है अच्छे से, तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एसीक्यूज़ के लिहाज से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें आपने बस इतना ही याद रख लेना है कि इंक्रीजेज ब्लड विस्कॉसिटी, डिक्रीजेज द रेट ऑफ वीनस रिटर्न टू द हार्ट, ये सारी चीज़ें आपने जस्ट रीड कर लेनी है और इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने पूरी गाइडेंस को पूरा पूरा नहीं पढ़ना होता, ये आपके इसी वजह से ही वीडियो बनाई गई है ताकि आप पूरा का पूरा ना पढ़ो, जो चीज़ पढ़ने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सिर्फ वही पढ़नी होती हैं, तो आप काइंडली इसको वही देखा करें, और इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपकी अपडेट्स मिलती रहें, और नेक्स्ट टॉपिक्स की इंशाल्लाह साथ साथ वीडियोज़ बनती रहेंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।